मंडलायुक्त जयंत नालिका ने नगर निगम का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने रेंट विभाग, कर विभाग, लेखा विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रत्येक कक्ष में जाकर वहां संपादित किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने दीवारों पर पान के थूक के निशान को देखकर तत्काल सफाई कराने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर निगम में वाहनों की भीड़ को देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका की भी जांच की तो मुख्य कार्यालय में 6 कर्मचारी, मुख्य कार्यालय द्वितीय में 1, विधि विभाग में 1, पद प्रकाश विभाग में 1, स्वास्थ्य विभाग में 1 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद मंडलायुक्त नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के साथ बैठक करके नगर निगम की अवस्थापना, देयक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं अन्य कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शहर के कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया और बेहतर की जाए तथा शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर कान्हा उपवन में भेजा जाए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, नगर आयुक्त अंजनी सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, देख रहे हैं तो सामने स्वागत होता है। हाँ, उसमें हर जगह हमने लगाया। अच्छा, ये आपका चैंबर? जी सर। पहले ऑफिस देख लें एक बार, राउंड लगा सर। मेयर साहब बैठते हैं। अच्छा, और पार्षद वगैरह के लिए एक रेंट में जो हमारी प्रॉपर्टी है सर, जैसे दुकान है या कोई दुकान है जो कुछ रेंट पर होती है उसका रेंट, ये रेंट के बारे में वो रेंट दोनों इस साइड में ये आपका
उस 5,000 की गार्ड को इस शर्त को लिया गया है कि हम लोग वृक्षारोपण आप कराएंगे और इतनी जगह पे आप कोई ऐड कर सकते हैं, सब खर्चा उन्हीं का है। तो हो सकता है उन लोगों ने वहाँ लगा दिया, अपना दिमाग न लगाया हो, उसको हम देख लेंगे, करा देंगे। उसको देख के सभी वाले भी साइड वगैरह जो क्वेश्चन मार्क लगाया, अभी अभी लगता है किसी ने भी उसने भी आज किसके सही है। ये पवन हमारे सर, इसमें केवल एक सी एल है बाकी। आपका जो ऑनलाइन वाला है वो कैसे काम कर रहा है अभी? ये एक डेली रूटीन में आज हमने नगर निगम के कार्यालय को देखने का प्रयास किया गया है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जांच की जा रही है, जस्ट इनका बिल्डिंग का रखरखाव कैसा है और कर्मियों की, कार्मिकों की, अधिकारियों की उपस्थिति कैसी है, बजट की स्थिति क्या है, सामान्य जानकारी के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक निरीक्षण किया जा रहा है।